युगों युगों से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजश्री शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आज 16 फरवरी 2020 दिन रविवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि दोपहर 3:13 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, वो दोपहर 12:10 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहुकाल शाम 4:58 से लेकर शाम 6:26 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप सोचने समझने में बहुत ज्यादा समय ना लें, अन्यथा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। यदि आप वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में टीम लीडर हैं, तो आज आपके टीममेट्स आपकी सीनियोरिटी और लीडरशिप को चैलेंज कर सकते हैं, जिससे पूरी टीम का तालमेल बिगड़ सकता है। आज आपको अपने व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक पल बहुत से कस्टमर्स हों और दूसरे ही पल पूरी आपकी दुकान खाली हो जाए। आज आपका आलस्य ही आपका शत्रु बन जाएगा और आप अपना पूरा दिन व्यर्थ कर सकते हैं। परंतु अगर स्टूडेंट्स अपना आलस दूर करके आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आज वो काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आराम से समझने के कारण आप बड़ी आसानी से मुश्किल सवालों को भी हल कर लेंगे, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आज आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक लकी चार्म साबित होंगे और आज आपकी उपस्थिति मात्र से ही आपके सगे संबंधियों का भाग्योदय हो जाएगा। आज यदि आप बिना जोड़ वाला सोने का छल्ला अपने हाथ में धारण करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज भैरव के मंदिर जाकर भगवान जी को भोग लगाने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध दान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज मेष राशि वालों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या आप नौकरी की वजह से परेशान हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। तो चलिए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज बैंक में नौकरी पाने की चाह रखने वाले व्यक्तियों का सपना सच हो सकता है और आज उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। जर्नलिस्ट और लेखकों के लिए भी आज का दिन शुभ है। आज आपके आर्टिकल्स आपके बॉस को पसंद आएंगे और पब्लिक के बीच में भी आपकी राइटिंग को सराहा जाएगा। आज आपके संबंध आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी बेहतर होंगे। आज यदि आप दोनों बिजनेस पार्टनर के बीच में कोई मतभेद है तो आज आपको उन्हें डिस्कस करके शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आज साथ में कंपनी की प्रगति के लिए
फैसले लेने से आपकी कंपनी की मार्केट रीच और कस्टमर बेस में इजाफा होगा। परंतु आज आपके गृहस्थ जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और बेवजह के विवादों के कारण आज आपके गृहस्थ जीवन में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज बेवजह शक करने से आप दोनों के संबंध टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में आए दिन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आपका अपने पार्टनर के साथ हमेशा मनमुटाव ही बना रहता है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु महा रुक्मणी द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज शराब, मांस और मदिरा का सेवन करना आपको शनि देव जी के गुस्से का शिकार बना सकता है, इसलिए आज आप इन चीजों का सेवन किसी भी हालत में ना करें। आज वर्क प्लेस पर आपको प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ेगा और आपके सहकर्मी आपके कार्य में अड़ंगे लगाने की कोशिश करेंगे। छोटी मोटी भूल चूक भी आज आपको भारी पड़ सकती है, जिससे आज आप अपने बॉस के गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आज आप वर्क प्लेस पर अत्यधिक सावधानी बरतें और केवल अपने कार्यों पर ध्यान देकर उन्हें टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स को आज उनके अध्यापकों से डांट फटकार मिल सकती है और अपनी गलती सभी मित्रों के सामने जाहिर होने से आज आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, जिससे आज आपका मनोबल भी गिर सकता है। आज आपको अंधे व्यक्तियों को लड्डू खिलाने चाहिए। आज कबूतरों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको रात में सोते वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुरे सपने आने से आज आपकी निद्रा भंग हो सकती है, जिससे सुबह उठकर आप चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज सोने से पहले मेडिटेशन अवश्य करें, इससे रात को आज आपको नींद अच्छी आएगी। आज यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं तो अभी के लिए इसे टाल दें। अभी यात्रा में कठिनाइयां आने की वजह से आपको यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ सकता है। आज आपको अपनी जुबान पर भी कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि आज जुबान फिसलने से लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं और वे आपकी बेशर्मी से भी नाराज हो सकते हैं। आज आपको अपनी बुआ के घर से अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आज आपकी बहन के स्वास्थ्य बिगड़ने से भी आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। आज आपका भाग्य भी आपका विशेष साथ नहीं दे रहा है और जुआ, सट्टा बाजार या शेयर मार्केट में आज धन लगाने से आपकी मेहनती गाड़ी कमाई को आज आप नष्ट कर सकते हैं। आज यदि आपको विदेश यात्रा करनी है तो यात्रा में रुकावटों से आज आपकी यात्रा बहुत ज्यादा थकाने वाली रहेगी और जो आप कार्य करना चाह रहे थे उनमें भी अनावश्यक विलंब होगा। आज आप हरे रंग को वस्त्र को धारण करने से परहेज करें। आज आपको चावल और चने की दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देनी चाहिए। कर्क राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 भी स्टार नहीं दूंगा। आइए अब जानते हैं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज विवाहित व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे और आज आपके लाइफ पार्टनर के साथ से आपका भाग्य चमक उठेगा। अपने लाइफ पार्टनर की सलाह से आपके द्वारा किया हुआ निवेश आज आपको सफलता प्रदान करेगा। आज शेयर बाजार में आपके स्टॉक्स की वैल्यू अचानक बढ़ जाने से आप मालामाल भी हो सकते हैं। खेती बाड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी आज अच्छा खासा मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज आप जो भी काम करें उनके फलों के बारे में पहले से ना सोचें, अन्यथा आपको मनवांछित फल नहीं मिलेंगे, जिससे आप निराश हो सकते हैं। आज यदि आप अभिमान करते हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आज आपको ही अपमानित होना पड़ सकता है या आपका झगड़ा भी हो सकता है। आज प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज अपने ससुराल पक्ष से चावल और मिश्री दान लेकर अपने घर के कैश बॉक्स में रखने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी।
आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और इस विदेश यात्रा से नौकरी पेशा व्यक्तियों को बहुत फायदा होगा। आज भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। यदि आप आज लालच करते हैं या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई गलत कदम उठाते हैं तो ये आपके लिए आज घोर अनिष्टकारी होगा, इसलिए ऐसा कोई भी कदम आप ना उठाएं। छात्रों को आज पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा आज उनको सुझाव है कि वे आज अपने पुराने सब्जेक्ट ही रिवाइज करें और अपनी कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। यदि स्टूडेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं कि लगातार उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और एग्जाम से नंबर कम आते हैं और उनकी मेहनत विफल हो जाती है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मारुकमणि द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जो भी एग्जाम्स आप अपने जीवन में देंगे उनमें गारंटी से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणि से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज छात्रों की विद्या में बाधाएं उत्पन्न होंगी और जब भी वे पढ़ने बैठेंगे किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन के कारण आज अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्हें उठना पड़ेगा जिससे आज उनकी एकाग्रता भी भंग होगी। आज यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी अपनी पढ़ाई के लिए करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए आप इन विचारों को कुछ दिनों के लिए टाल दें, अभी इसके लिए समय शुभ नहीं है। आज नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं क्योंकि आप केवल काम में ही लगे रहते हैं और आपके पास अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालें। आज आपकी ईमानदारी ही आपके भाग्य को चमका सकती है, इसलिए गलत रास्तों से धन एकत्रित कर लेने के बावजूद भी आप वो सुख और चैन का एहसास नहीं कर पाएंगे जो आपकी मेहनत की कमाई आपको दे सकती है। आज आपके शत्रुओं का बल भी बढ़ जाएगा और वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आज आप अत्यधिक सावधानी बरतें। आज सोने की चेन गले में धारण करने से आपका भाग्य चमक सकता है। आज कुंवारी कन्याओं को अपने घर पे आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं और उसके बाद उनका आशीर्वाद लें, इससे बुध देवता आपसे प्रसन्न होंगे। तुला राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप अपना सपनों का मकान जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी जल्द से जल्द धारण अवश्य करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे और आपके शत्रुओं की एक भी योजना आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। छात्र यदि आज उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मन बना रहे हैं और इस दिशा में कोई भी कदम उठाते हैं तो उनको शुभ फल प्राप्त होंगे। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए भी
आज का दिन शुभ है। आज आपका ड्रेसिंग सेंस भी शानदार होगा और आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देगा और आप पहली ही नजर में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अपना व्यापार करने वाले व्यक्तियों को आज कोई बड़ा क्लाइंट अप्रोच कर सकता है, जिससे आज आपकी और आपके व्यापार की प्रगति होना भी तय है। परंतु आज आप किसी भी हालत में अंडा, मीट, मुर्गा या शराब का सेवन ना करें, ये आज आपको भाग्यहीन बना देगा। आज युवकों को अपने सर पर सफेद बाल लिखने से चिंता सता सकती है। आज आप पीला मीठा चावल बनाकर गरीब बच्चों में बांटें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज आपको व्रत भी रखना चाहिए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके पिताजी के आय के घटते स्रोत आपके परिवार की चिंताओं में इजाफा कर सकते हैं। फर्नीचर और लकड़ी के अन्य उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को आज भारी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो अभी आप इस विचार को टाल दें, क्योंकि अभी आप भ्रमित होकर गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई आज नष्ट हो सकती है। परंतु नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आज का दिन खास है। आज आपकी बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल होंगी और आप अपनी कंपनी के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करवाने में सक्सेसफुल होंगे। आज आपका गृहस्थ जीवन में हालात सामान्य होंगे। आज माँ दुर्गा की उपासना करने से और उनका आशीर्वाद लेने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज रात्रि में आप तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने के पास रखें और प्रातः काल उठकर उस पानी को पीपल के जड़ में चढ़ा दें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिससे करके आज छात्र सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज सुबह प्रातः काल उठकर पवित्र होकर आप सरस्वती माता की वंदना करें। आज आप उनकी पूजा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैं आप सभी के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यदि आज स्टूडेंट्स श्रद्धापूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर वे अपनी पढ़ाई में फायदा महसूस करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप अपने भाइयों के साथ मिलकर किसी व्यापार को प्रारंभ करने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। आज अपने व्यवसाय की शुरुआत करने से आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज सरकारी नियमों में फेवरेबल बदलाव होने से आपके बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है और यदि आज आप अपने बिजनेस के लिए किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। आज आपकी फाइल बहुत जल्दी पास हो जाएगी। आज आप समाज के गरीब तबके के लिए कुछ भलाई का काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आज आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब होने से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं और आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आज यदि आप अपने पिताजी से आशीर्वाद लेकर किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज रात्रि में सोते वक्त आप पीतल के बर्तन में जल भरकर अपने सिरहाने रखें और प्रातः काल पवित्र होकर पीपल के वृक्ष पर उस जल को चढ़ाएं। मकर राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा।
सरकारी कर्मचारियों को आज उनके प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर खर्च करने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। परंतु आज आपको अपने पितृपक्ष से कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आज अपने भाई के साथ मिलकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आज आपके मित्र की सहायता से आप उस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। समाज सेवा में कार्यरत लोगों को भी आज सम्मान प्राप्त होगा। यदि आज आप अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो आज आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको पूरी जिंदगी रिग्रेट होगा, इसलिए आज आप शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हार्ट पेशेंट्स को आज अपना विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज आप दवाई लेने में आनाकानी बिल्कुल भी ना करें। आज सफेद गाय को चारा खिलाने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध और दही दान करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ने से आप कार्य में रुचि नहीं ले पाएंगे। आज आपका गुस्सा बढ़ने से भी आज आप हर किसी से लड़ाई करने के लिए उतारू रहेंगे, जिस कारण लोग आज आपसे दूर भागेंगे। इसलिए आज आपको अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है, इससे आप अपनी एक्सेसिव एनर्जी को सही दिशा में चैनल कर पाएंगे। परंतु आज आप अपनी व्यापारिक कुशलता से अपना काम किसी से भी निकलवा पाने में सफल होंगे, जिससे आज आपका कोई भी काम नहीं रुक पाएगा। आज दांतों में दर्द से आप परेशान रह सकते हैं, जिससे आज आपको डेंटिस्ट के पास जाने की नौबत भी आ सकती है। आज आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना खरीदें, इससे आपके घर में अशांति का माहौल बन सकता है। आज आप हरे रंग के कपड़े धारण करने से भी परहेज करें। आज काले कुत्ते की सेवा करना आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।